नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस नए वायरस ने सभी की टेंशन को तेज किया हुआ है। ओमिक्रॉन को लेकर रोज नई नई स्टडी और नए नए दावे सामने आ रहे हैं। एक ताजा स्टडी में दावा किया गया है कि भले ही चाहे ओमिक्रॉन के केस लगातार सामने आ रहे हों, लेकिन अस्पतालों में कोविड मरीजों के गंभीर मामले बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इस महामारी के कम चिंताजनक चरण में पहुंचने का इशारा है। पूरी दुनिया में कोविड के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की इम्यूनोलॉजिस्ट मोनिका गांधी का कहना है कि ये वायरस अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि ये नया वेरिएंट हमारी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि महामारी धीरे धीरे दब ही जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला था। डेटा बताता है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वाइड स्प्रेड इम्यूनिटी और कई प्रकार के म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन का परिणाम है और ये पिछले वेरिएंट्स की तुलना में कम घातक है। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियान का कहना है कि यह महामारी साल 2022 में खत्म हो सकती है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस के पूरी तरह से दूर जाने की संभावना कम है। यह संक्रमण के एक पैटर्न के रूप में यहीं पर बस सकता है, लेकिन इसे लेकर हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नया वेरिएंट घातक भी हो सकता है और नहीं भी। ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक हो सकता है और नहीं भी। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि वैक्सीन काम भी कर रही है या फिर नहीं। साथ ही एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों के पलायन को रोककर संक्रमण की रफ्तार को थामा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में हुई एक स्टडी की बात करें तो ये स्टडी कहती है कि ओमिक्रॉन से आई चौथी लहर के दौरान अस्पतालों में एडमिट मरीजों की संख्या डेल्टा की तीसरी लहर के मुकाबले 73% कम हो सकती है। इस मामले में यूनिवर्सिटी ऑफ केपटाउन की इम्यूनोलॉजिस्ट वेंडी वर्गर का कहना है कि ओमिक्रॉन के मामले और अस्पतालों में मरीजों की संख्या को अलग करने वाले डेटा काफी ठोस हैं। आपको बता दें कि स्टार्टिंग से ही कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक्सपर्ट काफी चिंतित थे। कोरोना के पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले ओमिक्रॉन के कम गंभीर या घातक होने के कई कारक सामने आए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर पिछले 1.5 महीने में सामने आई अलग अलग स्टडीज की माने तो ओमिक्रॉन पिछले वेरिएंट की तरह फेफड़ों को आसानी से संक्रमित नहीं करता है। जापानी और अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित चूहों के फेफड़ों में डैमेज और मौत का खतरा पिछले वेरिएंट के मुकाबले ना के बराबर था। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।